जामताड़ा के सहडाल गांव में मनरेगा कुप धंसने से काम कर रहे तीन मजदूर दब गए, जिसमें दो मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं एक मजदूर की जान बचाई गई है। जानकारी मिलने पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, एसडीओ संजय कुमार पांडे सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे। दबे व्यक्ति के शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मनरेगा कुप की जुड़ाई का कार्य चल रहा था, इसी दौरान अचानक जुड़ाई में लगा ईटा मजदूर पर गिर गया, जिससे सभी उसके नीचे दब गए। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि रेस्क्यू का कार्य जारी है, जल्द ही दोनों बॉडी को निकाल लिया जाएगा। जब सहडाल में अभी नरेगा का कुआं बन रहा था और कुआं का जो कार्य था, देखिए लगता है कि नहीं एकदम घटिया स्तर का, निम्न स्तर का कार्य था, इतनी बड़ी घटना घट गई है। दो आदमी दबे हुए हैं, पूरा माहौल है, देखिए पूरी भीड़ है यहाँ पर। अभी हम लोग लगे हुए हैं, पूरा जो टीम है वो टीम को हमने बुलाया है, यहाँ सारे पदाधिकारी को मैंने बुलाया है और हम लोग लगे हुए हैं। रेस्क्यू टीम भी लगी हुई है और जो पोकलिन वगैरह की मांग हो रही है, पोकलिन से ही मट्टी कटेगा, बहुत लंबा बहुत अंदर तक बॉडी फंस गया है। तो जब तक बॉडी नहीं निकल जाएगा उसमें, तो मुझे लगता है कि क्या मामला है, कैसे हुआ, क्या हुआ, घटना कैसे घटी, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैंने सरकार से मांग किया है कि ये बहुत बड़ी घटना है, एक आदिवासी है एक मुस्लिम है, दोनों मर गया है, दब गया है अंदर। तो सरकार की तरफ से भी हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उस परिवार को हम लाभ दिला सकें। और जो बातें आ रही है कि ये लोगों ने शायद निबंधन नहीं कराया था ब्लॉक में, तो हमने कहा कि अब जान चला गया, निबंधन कराया ना कराया उससे क्या होता है, सरकारी लाभ दिए, गरीब आदमी है उसको राहत मिल जाएगा, परिवार को राहत मिल जाएगा। तो इन सारी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, डीसी से मेरी वार्ता हुई है, सारे पदाधिकारियों को मैंने बुलाया, सारे ग्राम के जो लोग हैं सारे लोग मदद कर रहे हैं और हमें लगता है कि बॉडी निकालने के बाद ही। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज 22 को, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज 22 स्कोप ऐप। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सुबह से ही 75% नियोजन नीति लागू करने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग पर ढोल नगाड़ों के साथ डीवीसी बोकारो थर्मल के मुख्य गेट को जाम कर दिया गया। जिला परिषद सहजादी बानो ने कहा कि बाहर से आई कंपनियां और ठेकेदार सरकार के आदेश को दरकिनार कर अपने तरीके से बाहर के मजदूरों को लाकर कार्य करवाते हैं और यहां के मजदूरों को अनदेखा करते हैं। वहीं स्थानीय प्रबंधन और प्रशासन द्वारा 10 दिनों का समय मांगने के बाद गेट जाम आंदोलन को समाप्त किया गया। एक तरफ यहाँ 510 मेगावाट का प्लांट है, यहाँ पर लोग बाहर से देश के विभिन्न विभिन्न जगह से काम करने के लिए आते हैं और यहाँ के लोग को रोजगार नहीं मिलता है, मजबूरन यहाँ के लोग पलायन करते हैं। आप सुनते होंगे आए दिन पेपर में आता है कि कोई बाहर गया था काम करने, टावर में गिर गया, मर गया, अरे मेरे घर में काम है, काम नहीं मिलता, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं। ये बहुत ही ये शर्म की बात है मैनेजमेंट के लिए, यहाँ के लोग तो रोजगार नहीं है। तो आने वाले समय में इस पर आंदोलन का जो रूपरेखा है, ये आज जो आंदोलन हुआ और जो सरकार के जब द्वारा मापदंड दिया गया है उस पर पहल नहीं होगा तो आंदोलन होते रहेगा। इसके लिए हमें या मेरी वार्ड जिला परिषद को जेल जाना पड़े, हम लोग जाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए हम लोग खड़े हैं। और